साथी जो भी बोले सब राजनीति पर ही बोले और मुझे क्या करना चाहिए? इनके हर सवाल का जवाब मेरे पास है और इनसे पूछने के लिए मेरे पास सवाल भी है। लेकिन नहीं, मैं राजनीति नहीं करूं, मैं मेरी मर्यादा नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरे सिद्धांत और मर्यादा के लिए जाना रहता हूं और मैं अपनी पहचान खराब करना नहीं चाहता। हाँ सुनाऊंगा, सुनाने के लिए मेरे पास बहुत अवसर है, बहुत मंच है, इस मंच का दुरुपयोग मैं नहीं करूंगा। मंजू जी, ये सरकारी कार्यक्रम है, जो भी चुना हुआ सांसद विधायक है उसको बुलाना अनिवार्य है, मेहरबानी नहीं है, अनिवार्य। बीच में गफलत हो गई थी, भारत सरकार में तो सख्ती से नियम लागू होता है, सख्ती से। राजस्थान सरकार में बीच में गफलत हो गई थी। इस बार हमने सारे विधायकों ने मिलकर, पक्ष विपक्ष सारे विधायकों ने मिलकर विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी साहब से निवेदन किया कि जैसा भारत सरकार में है परंपरा नियम की है, सबको में रहना कर रहे हैं, वैसा राजस्थान में भी होना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ सीपी जोशी साहब का, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करी और बाकायदा राजस्थान सरकार से एक सर्कुलर निकलवाया कि सरकारी आयोजन जब भी होगा विधायक सांसद वहां के जो भी लगते हैं उनको बुलाना आवश्यक है, अनिवार्य है, और नहीं बुलाएंगे तो सारे अधिकारी ध्यान से सुन लेना, नहीं बुलाएंगे तो सरकार तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मैं विधानसभा में आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला सकता हूं और वहां आपको कोई वकील बचाना नहीं आएगा, सवाराम जी भी नहीं आएंगे। ये नियम है, परंपरा है और उसके तहत ये इस आदर्श परंपरा है जिसका पालन सबको करना चाहिए, सरकार आपके हो तो भी करना चाहिए, हमारे हो तो भी करना चाहिए। और निश्चित रूप से आपको मौका मिला इस परंपरा को पालन करने का, मुझे मौका मिलेगा मैं भी करूँगा, बिल्कुल विश्वास है। मंत्री जी, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, मैं कुछ जनहित की बात है। एक तो हमारे यहां बिजली की सबसे अधिक खपत वाला इलाका है साला, पूरे राजस्थान में सबसे अधिक कृषि कनेक्शनियां है, बड़े बड़े कनेक्शन 40-40, 50-50 वर्क वर्क की मोटरें हमारे चलती हैं किसान के ट्यूबवेल, तो बिजली का लोड रहता ही है। और उस लोड को देखते हुए यहाँ के अधिकारियों ने जेन्युइन डिमांड को देखते हुए जितने हमारे बड़े जो 33 के GSS है उन पे बड़े ट्रांसफार्मर लगाने के लिए डिमांड भेज रखी। 5 MVA के 5 ट्रांसफार्मर हमको चाहिए सिर्फ साला समिति को, साला डिवीजन को, और वो डिमांड हमारी गई हुई है, डिस्कॉम में सेंक्शन हो गए, बस वो सप्लाई की देर है, सप्लाई में काफी देर लग रही है। जैसी मेरी अधिकारियों से बात हो रही है, SC साहब भी है, चीफ साहब भी है, उनसे बात हो रही है, उससे मुझे ये लग रहा है कि शायद इस सीजन से पहले वो नहीं आ पाएंगे। अब सीजन से पहले आएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, थोड़ा आप अपन प्रयास करेंगे तो हमारे कुछ किसानों को भला हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन के जो छोटे ट्रांसफार्मर है वो सरकार की घोषित नीति है, आदेश है, 3 दिन में 72 घंटे में बदलने चाहिए जलने के बाद, वो 72 घंटे में नहीं बदल रहे हैं, 10 से 15 दिन एवरेज समय लग रहा है। इवन जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वो भी चल जाए तो उनको बदलने में थोड़ा देर ज्यादा लग रहा है, रिपेयरिंग वाली फर्म को थोड़ा टाइट करिए, वो जल्दी सप्लाई दे तो ये समस्या दूर हो जाए। थोड़े से हमारे स्कूलों में विराजन सुरनाथ कैंप में गया था तो आपने मुझे कहा था, तो वो बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपने कहा था स्कूल में व्याख्याता नहीं है, फर्स्ट ग्रेड टीचर्स नहीं थे, पिछले 2 साल में काफी ट्रांसफर होकर सीकर जुदुर उधर चले गए, उधर गए थे, जाएंगे देर से जाएंगे, तो ठाकुर साहब की बात में आप तक पहुंच रहा हूँ। आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, व्याख्याताओं की पोस्टें बनने में आप हमारी मदद करें।
किसान ज्यादा है तो पशुपालक भी ज्यादा है, पशु भी ज्यादा है, पशु चिकित्सालय भी बहुत है। और अधिकांश पशु चिकित्सालयों के भवन भामाशाह ने बनाए थे, अधिकांश कोई कदा ही अपवाद होगा तो सरकार ने बनाया, बाकी भामाशाह ने बनाए, बड़े बड़े भवन बनाए, अच्छे भवन बनाए, लेकिन उनमें डॉक्टर्स नहीं है और कंपाउंडर नहीं है, काफी पोस्ट निकाल जा मतलब दो तीन सी ज्यादा खाली, थोड़ी सी आप मेहरबानी करेंगे तो हमारे पशुओं को सुविधा मिल जाएगी। नई पंचायत हमारे यहाँ 5 बनी है इस समिति में, और हर पंचायत मुख्यालय पे 12वीं स्कूल होना चाहिए, ये नीति अपने पूरे राज्य में लागू कर रखी है, उन 5 पंचायतों के लिए जल्दी आदेश हो जाए 12वीं तक के, वो आपसे निवेदन है। सड़कों की बात कर रहे थे भाई रतन जी, सड़क की स्थिति कैसी है उस बारे में नहीं कहूँ तो अच्छा है, आप भी चलते हो नहीं सड़कों पर, और मैं राजनीति करना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि जो जो सड़कें भारत सरकार द्वारा बनी है या निर्धारित संधारित हो रही है उनकी स्थिति और राजस्थान सरकार द्वारा संधारित सड़कों की स्थिति कंपेरिजन कर ले, मीडिया भी यहाँ बैठा है, आप भी बैठे, आप और साथ जाकर निरीक्षण कर लेते हैं। खुशी की बात यह है, अच्छी पॉजिटिव बात भी कर रहा हूँ, नेगेटिव बात कही जा रही, लगातार हमने मांग करी ये रोड खराब, ये रोड खराब, ये रोड खराब, कलेक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा, इन्होंने बाकायदा मीटिंग करी, सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया और पीड़ित पीड़ित के सारे अधिकारियों को बुलाया, एक एक रोड पर हमारा डिस्कस हुआ। अधिकांश सड़कें आपकी सरकार के लिए पॉजिटिव बात बोल रहा हूँ, अधिकांश सड़कें सैंक्शन हो गए, जो रिन्यूअल के लायक है पूरी नहीं बनने लायक, रिन्यूअल सैंक्शन हो गए, जो पैच वर्क के लायक है खड्डे बने गए, पैच वर्क सैंक्शन हो गए, सैंक्शन हो गए, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए, काम शुरू नहीं हो रहा है, और काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है बोलते सिंह जी, पैसा भी दो थोड़ा सा, अब आप कहां से भेज दो, सरकार से भेज रहे हो या हमारे डीएम की मदद से दे रहे हो, जहां से भी जाना, पर पैसा दीजिए। मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा 1920 पौने 2 साल पहले, बागरा नारनावा सड़क पौने 2 साल बाद अभी तक काम शुरू नहीं, प्लीज वो थोड़ा वो व्यवस्था करें, सबको काम शुरू हो जाए, अब जितना आप देर से करोगे उतना फायदा हमको मिलेगा। फिर आप कहोगे कि सड़क आप बनाकर उसका आनंद हम लेते हैं, तो इतने जल्दी कर लो, सेवाराम जी ने कह दिया 2 साल ही बचेगा, कहा 2 साल बचे, मैंने कुछ नहीं कर, आप लोग 3 साल का जब जस्ट मना रहे, 3 साल गए दो बचे, और 2 साल बाद क्या होगा वो जनता तय करेगी। मैं निवेदन कर रहा हूँ सवाराम जी, आपने एक बहुत अच्छी बात उठाई हुई, जवाई नदी वो को लेकर 100 करोड़ का क्या है मुझे पता नहीं है, 100 करोड़ रुपये सरकार ने दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। एक तो मेरा निवेदन, आप जोयला का एलिगेट देख कर आए कि नहीं, उसको रुकवाइए तो तुरंत रुकवाइए, सबसे पहले आपका गला घुटने वाला आहोता सिंह, मेरा गांव भी उसमें शामिल है, आगे तो होना ही है। दूसरा, आप 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, यदि सरकार ने दिए हैं, किस बात के लिए पता नहीं, जानकारी कर लूंगा, दिए हैं तो अच्छी बात है, स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं रेफरेंस निकल गया है तो निवेदन कर रहा हूँ, राजस्थान सरकार ने 2018 के बजट भाषण में जवाई पुनर्भरण योजना लागू करने की बात की थी और उसकी डीपीआर बन गई और डीपीआर को स्वीकार करने की बात करी थी, बजट भाषण में है, राजस्थान सरकार का बजट भाषण है, और वो बजट भाषण अशोक गहलोत साहब पढ़ रहे हैं या वसुंधरा राजे पढ़ रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बजट भाषण और डीपीआर बनी हुई है, 6,000 करोड़ रुपया उसमें लगना है, वो यदि होता है तो हमारी ये जवाई नदी वापस जिंदा होती है, ये 100 करोड़ से सवार जी कुछ नहीं होने वाला, जवाहरलाल में पानी नहीं है, इस साल आप यदि फाटक खुलवा के नदी में पानी छोड़ना भी जाओ तो पानी नहीं है। मैं आज ये भी पादली जाता हूँ, मेरे रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, पादली के वहाँ नहर है सूखी पड़ी थी, मैंने पूछा वहाँ गाँव के लोगों पर, नहर क्यों नहीं, बोले सब जवाहरलाल में पानी नहीं है, तो जवाहरलाल भरेगा तो हम जिए तो हम जिंदा रहे, और जवाई बांध भरने के लिए 6,000 करोड़ की योजना राजस्थान सरकार ने बना के रखी हुई है,
वो फाइल मेहरबानी करके बाहर निकालिए। 6,000 करोड़ रुपया चाहिए, किसी एमपी के पास जाने की आपको जरूरत नहीं अटल जी, मैं अकेला ही काफी, भारत सरकार से 6,000 करोड़ रुपए लाके देने की ताकत रखता हूं। आप वो फाइल बाहर निकालो, आप रिकमेंड करो कि योजनाओं को लागू करनी है, इसके लिए 6,000 करोड़ रुपया चाहिए, भारत सरकार से मांगिए, वो पत्र मेरे हाथ में दे दीजिए, पैसा आपके पास आ जाएगा, मैं लाऊं, मेरा सांसद लाए, कोई लाए, पैसा आपके पास आ जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी, हम हमारी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। लेकिन वो फाइल तो आपको बाहर निकालनी पड़ेगी, 3 साल हो गए मैं निवेदन कर रहा हूं उस फाइल को बाहर निकालिए, वो फाइल बाहर नहीं आ रही मंत्री, थोड़ी आप मदद करिए। चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं, हम रत्न जी भी जानते हैं, ओम सिंह जी भी जानते हैं, सवाराम जी भी जानते हैं, हमारे यहाँ के जालौर जिले के मैक्सिमम पेशेंट गुजरात का, गुजरात में चिरंजीवी योजना का कार्ड नहीं चलता है। इवन मैं अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, वहां भी यदि कोई चार्जेबल ट्रीटमेंट है तो उसका पैसा लग रहा है, मेरे पास आ रहे हैं। यानी आयुष्मान भारत जो भारत सरकार का कार्ड है उसी को आपने स्वीकार कर लिया होता तो गुजरात में भी चलता, तो गुजरात में भी चलता। अभी चलो आपने नहीं किया कोई बात नहीं, आपका राजनीतिक विषय, लेकिन चिरंजीवी योजना आयुष्मान भारत कार्ड की तरह ही चिरंजीवी कार्ड भी गुजरात के हॉस्पिटल में चल जाए, उसकी कुछ व्यवस्था करिए, गुजरात सरकार से बात करिए, कुछ भी करिए, वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चल जाए। राजस्थान में अब थोड़ा थोड़ा चलने लगा है, शुरू में तो प्राइवेट वाले मना कर रहे थे, अब कुछ हॉस्पिटल करने लगे हैं, मान लिया। गुजरात में हमारे प्राइवेट में बहुत लोग जाते हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। फसल बीमा हमारे यहाँ कुछ नुकसान हुआ था, फसल का सर्वे हो गया है, क्लेम नहीं आया, और तहसील जालौर तहसील और शायद सहला तहसील तीनों में, तो थोड़ा सा प्लीज क्लेक्टर साहब भी देखें और आप भी देखें। और अनार हमारे यहाँ बहुतायत में पैदा होता है, तो उसको लेके थोड़ा सा वो ज्यादा होता है तो भावों को लेके कुछ समस्या पैदा हो ही है, काश्तकारों को तकलीफ आ रही है, कुछ सरकार का अंकुश उस पर लगना चाहिए ताकि वो व्यापारी मनमानी नहीं कर रहे। नर्मदा के पानी के पेयजल के लिए बात आई, 2007 में जालौर जिले में नर्मदा का पानी एंटर हो गया था, याद दिला रहा हूँ रतन जी, याद दिला रहा हूं, और उसी साल तय हो गया था कि पीने के लिए 100% आबादी को नर्मदा का पानी मिलेगा, वो मैंने तय करवाया, उसमें मेरा रोल था। उसके बाद ये जो आप ईआर प्रोजेक्ट डीआर प्रोजेक्ट एफआर प्रोजेक्ट सबकी बात कर रहे हैं, जालौर की धरती पर सिर्फ और सिर्फ एफआर प्रोजेक्ट 2008 में सैंक्शन हुआ, वर्क ऑर्डर निकला और काम शुरू हो गया, पाइपलाइन टेंट मांडला तक लगते हुए आ गई थी वहां से पेट्रोल से, आपके मंत्री जी आप बात करें ना, आप भी मंत्री रहे। एफआर प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ एफआर प्रोजेक्ट सबसे पहले सेंक्शन हुआ था, डीआर प्रोजेक्ट बहुत बाद में आया, ईआर तो अभी नहीं आया है। आप कह रहे ईआर और डीआर आपने सेंक्शन कराया था, बजट दिया था, तो इस 2021 के बजट में 1094 करोड़ किस बात की घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने ईआर प्रोजेक्ट के लिए? नो एक्सटेंशन ओवरऑल ईआर प्रोजेक्ट, नो इट इज नॉट एक्सटेंशन माय डियर, नो, मैं वहां बैठा था ना, 1094 करोड़ रुपया ईआर प्रोजेक्ट के लिए इस साल सेंक्शन हुआ है, और मैं बता दू कैसे मिला, वो मैं बता दू कैसे मिला, मेरे जन्मदिन पे मुख्यमंत्री का फोन आया, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने मुझे फोन किया, बधाई दी, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी जवाबी बधाई दोगे या कुछ गिफ्ट भी दोगे, बोले क्या गिफ्ट चाहिए, मैंने कहा ईआर प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरे भी 25 गांव उसमें से आ रहे हैं, 22-30 गांव मेरे जालौर के हैं, 22-30 गांव उधर और विधानसभा के हैं, 45 गांव मेरे इधर के हैं, मैंने कहा मेरे को ईआर प्रोजेक्ट दे दो, उनका ठीक है बजट में आया, मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री, 1094 करोड़, तारीख बनाने में कंजूस नहीं हूं, आपने कोरोना में अच्छा काम किया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भिलवाड़ा बहुत अच्छा है,
प्रधानमंत्री जी कभी अच्छा काम करते ही नहीं क्या, कभी आप ही तारीफ कर लिया करें। तो ईआर प्रोजेक्ट 1094 करोड़ में 45% राजस्थान सरकार का है, 45% भारत सरकार का भी है। ईआर प्रोजेक्ट यस वो जल जीवन मिशन में है। एनी ऑफिसर हियर प्लीज एक मिनट कोई एक्शन हियर। ईआर प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन में है यस, वो एक्शन दे रहे हैं। जल जीवन मिशन में 50% शेयर भारत सरकार का, 45% राजस्थान सरकार का, 10% जन सहयोग पंचायत करे चाहे और कोई करे। ये है जल जीवन मिशन के अंदर। ईआर प्रोजेक्ट नर्मदा का है ना, ईआर प्रोजेक्ट हैज बीन सैंक्शन अंडर जल जीवन मिशन स्कीम। योर एक्शन इज कंफर्मिंग। अब भाई मैं और डॉक्यूमेंट बात कर रहा हूँ, आपके अफसर से गवाह देने की बात कर रहा हूँ। आगे ना बैकवर्ड में तो आपने 7 दिन की बातें क्यों करी, मेरे को क्यों छेड़ा आपने? आपने 7 दिन की बातें करी इसलिए मैं 7 दिन की बात कर रहा हूँ। मैं भी अलग बात कर लेता, आप भी अलग बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं राजनीति करना नहीं चाहता, लेकिन पानी हमारे लिए जरूरी है। वो 45 गांव पानी के लिए तरस रहे हैं, रानी वाला काबा से लेकर मेरा उपला तक, उनको पानी तब मिलेगा जब ईआर प्रोजेक्ट लागू होगा। और ईआर प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, ठीक चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, काम चल रहा है, सैंक्शन निकल रही है, मुझे कोई उसमें शिकायत नहीं है, काम ठीक चल रहा है और चलता रहेगा। जहाँ अटकेगा मैं खड़ा हूँ, आपको बता दूंगा, मंत्री जी को बता दूंगा, प्रभार मंत्री जी आपको। बाकी सारी बातें हो गई, प्रभार मंत्री जी आपसे बहुत ज़्यादा समय ले लिया मैंने, सॉरी। बोलने के टॉप की नॉट दिया, मैंने नहीं दिया। मैं पहले से तय करके नहीं आता मुझे क्या बोलना, यहीं से मैं कुछ पॉइंट छोटा था यहीं से बोलता हूँ, या आपके दोस्तों ने पॉइंट दिए मैंने बोल दिया। खैर सॉरी, एक आखिरी निवेदन कर रहा हूँ, मैं फिर कर रहा हूँ कृषि प्रधान क्षेत्र के लिए, और यहाँ के बच्चे कृषि विज्ञान पढ़ना चाहते हैं। यहाँ की 12वीं के स्कूल में कृषि विज्ञान सब्जेक्ट भी है और भी एक दो जगह है, कृषि विश्वविद्यालय भी होता है, तो इस क्षेत्र को बहुत लाभ होगी और उसको अपन उससे कृषि विज्ञान केंद्र से अटैच कर सकते हैं, पास में है केसवाड़ा में, ये थोड़ा अगले बजट में दिया करवा सके तो व्यक्तिगत मेरे पर आसान होगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं। जनता के लिए, मेरे क्षेत्र की जनता के लिए मांगना मेरे को कोई ऐतराज नहीं है। मैं जोली फैला के द्वार पर सारा खड़ा हो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, जनता के लिए मांग रहा हूँ मैं। और ये यहाँ की बहुत जरूरी मांग है। मंत्री महोदय आपका एक बार फिर स्वागत और निवेदन कि आप जल्दी जल्दी प्रदान करें, बांसवाड़ा काफ़ी दूर है, आने में आपको तकलीफ होती होगी, लेकिन आते रहिए तो अच्छा रहेगा। आपके आने से मशीनरी, सारी सरकारी मशीनरी एक्टिव रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है और हम लोगों को भी जनता की समस्या आप तक पहुँचाने में सुविधा रहेगी। विधानसभा का इंतजार करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। स्वागत है आपका। अब आखिरी निवेदन कर रहा हूँ, हमारे अतीत सर बहुत नर्वस है, तहसील सर नर्वस हो रहे इस भवन को देख के। अभी तहसीलदार का भवन, फिर उधर पीछे एसडीएम का भवन, बहुत नाइस सा भी। इसलिए अब तहसीलदार का इतना बड़ा भवन है तो इससे सवाया तो एसडीएम का भवन होना चाहिए ना, तो उसका डिजाइन बनाइए, 2 साल में आप कर सके बहुत ठीक है, नहीं तो 2 साल बाद हम बाकी करेंगे। धन्यवाद, जय जागरण।